तो गाइस आ गया है मेरा एक्शन कैमरा एचडी कैम, तो फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज गौरव एंड लेट्स बिगिन। तो गाइस आज हम अनबॉक्स करेंगे और रिव्यू करेंगे एक्शन कैमरा का, ठीक है। सो दिस एक्शन कैमरा इज फ्रॉम द कंपनी एचडी कैम एंड प्रोडक्ट इज एचडी कैम 4000। ओके, काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है बट बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है इस टाइम पे, और बहुत ही स्वीट डील मिली है मुझको अमेज़ॉन पे इसके लिए। तो मैं आपको फटाफट के साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा, सिर्फ फटाफट बाय कर लो तो बहुत ही अमेजिंग डील आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा प्रोडक्ट, अमेज़ॉन से मंगाया हमने, तो अनबॉक्स करते हैं। साथ में मैंने इसके बैटरी भी मंगाई है। ओके, ओके, तो ये रहा हमारा बॉक्स। ये मैंने बैटरी मंगाई है और साथ में एक 64GB का सैंडिस्क का कार्ड भी मंगाया है, मेमोरी कार्ड, ठीक है। तो इसके साथ में इन्होंने अडैप्टर भी दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फटाफट। सो ये है हमारा प्रोडक्ट एचडी कैम 4000। ओके, इनका क्या है कि प्रोडक्ट एचडी कैम कहता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट ही लिया है आपने उसकी जेन्युइनिटी पता लगाने के लिए, यू कैन स्क्रैच दिस सरफेस। ये रहा सीरियल नंबर, ठीक है। ऐसे आप अपनी प्रोडक्ट की जेन्युइनिटी पता लगा सकते हैं। और ये स्कैन कर लीजिएगा अपने स्कैनर से, आजकल हर फोन में स्कैनर आता है तो आपको फटाफट से पता चल जाएगा। आप एचडी कैम का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द ऐप स्टोर और फ्रॉम द गूगल प्ले, ठीक है। दोनों का QR कोड यहाँ पे दे रखा है। तो ये कुछ बैक में डिस्क्रिप्शन है। आते हैं फ्रंट में, तो है एचडी कैम 4000 विद वाईफाई, 2.0 इंच की इसकी LED स्क्रीन है बट टच नहीं है। ओके, 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, 30 मीटर्स तक वाटर रेजिस्टेंट है विद दी हाउसिंग, जो उसके साथ हाउसिंग आती है उसके साथ 30 मीटर तक रेजिस्टेंट है। 180p पे रिकॉर्ड करता है, 30 FPS मैक्सिमम, ठीक है। ओके, चलो खोलते हैं इसे। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट। कवर हटा दिया एंड ये रहा हमारा प्यारा एक्शन कैमरा, फुल हाउसिंग के साथ है और हाउसिंग के साथ ही 30 मीटर तक वाटर रेजिस्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। करते हैं इसका भी सब, पर पहले देख लेते हैं कि एक्सेसरीज क्या मिली है हमको। सो एचडी कैम के साथ एक ये फ़ायदा है कि इसमें ऑलमोस्ट हर एक एक्सेसरी दे देते हैं आपको, तो आपको कोई एडिशनल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑल्दो मैंने मंगाया है एक और एक्सेसरीज, कंप्लीट एक्सेसरीज, सो उसमें मैं चेस्ट में भी माउंट कर सकता हूँ, बैग के स्ट्रैप में भी माउंट कर सकता हूँ, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो दिखा दूँगा, ठीक है। तो ये सारी एक्सेसरीज है, मैं सब खोल के दिखाता हूँ आपको। यह है वारंटी बुकलेट और हाउ टू यूज़ यूज़र मैनुअल लिटरेचर इसका, ठीक है। और एचडी कैम के दो स्टिकर्स, तो बहुत सारी एक्सेसरीज है इसमें, पर पहले हम देखते हैं एक्शन कैमरा को। खोलते हैं इसकी हाउसिंग को, तो यहाँ से ये लॉक है, लॉक को ओपन कीजिए और ये खुल गया, और इसको पीछे कीजिए और ये खुल गया। और ये हाउसिंग अलग हो गई और ये रहा हमारा कैमरा, ठीक है।
ये 2.0 इंच का LCD स्क्रीन है, पावर बटन है, मोड है, ओके है, 12 मेगापिक्सल का सेंसर ये रहा, साथ में है USB और माइक्रो SD कार्ड लगाने के लिए, ठीक है। करते हैं इसे, ये आपका बैटरी है, ठीक है, बैटरी कंपार्टमेंट है, एडिशनल बैटरी भी है, मैं आपको वो भी दिखा दूँगा। तो ये इसका कैमरा है और इस टाइप की रिकॉर्डिंग ये करेगा। अभी 0000 दिखा रहा है क्योंकि SD कार्ड नहीं लगा हुआ है, तो ये वैसे टाइम दिखाता है कि टोटल टाइमिंग कितनी रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। हम ये पावर बटन दबाते जाएंगे और चेंज होता जाएगा, देखिएगा। ये आ गए हम इमेज मोड पे आ गए, तो इस मोड पे आप फोटो खींच सकते हैं। ऊपर का ओके बटन प्रेस कीजिए और फोटो खींच जाएगी। नेक्स्ट आता है आपको कि जो आपने फ़ोटो खींची है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अभी आ गया हमारे पास मेन्यू, तो तीन बार आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने सेटअप पे आ जाएंगे। और ये टच नहीं है, तो यहाँ पे बटन दे रखे हैं, नीचे कर सकते हो, ओके। P 30 FPS पे कर सकता है, 720p 60 FPS पे, 720p 30 FPS पे, और VGA कैमरा भी कर सकता है, ठीक है। तो हम कर देंगे 180 30 FPS। लूप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बट जो इस एक्शन कैमरा में सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे खाली वो है, इसमें OIS का सपोर्ट नहीं है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। अगर वो होता तो फिर बहुत अच्छा हो जाता। वीडियो लैप्स बना सकते हैं, रिव्यू आउट कर सकते हैं, इमेज साइज़ क्या है, क्वालिटी क्या रखनी है, शार्पनेस, वाइट बैलेंस, आप उसको पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। डैश कैम की तरह भी यूज़ कर सकते हो, एक्शन कैमरा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसके बैटरी कंपार्टमेंट देख लेते हैं, एक बारी ऑफ करते हैं। ये इसकी बैटरी, ठीक है, बैटरी है इसकी 900 mAh की बैटरी है जो साथ में आती है, और चार्ज इसके अंदर ही होगी, ठीक है। ये पिन्स यहाँ पे मैच कर लीजिएगा, अंदर पिन्स है, ये इसको दबा दिया, तो बस इसको यहाँ पे लॉक कर दीजिए, वही लॉक हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक्शन कैमरा। तो अब हम देखते हैं कि इसका इमेज क्वालिटी कैसी है, मैं कुछ रिकॉर्डिंग करूँगा इससे और वो आपको अभी दिखेगी। तो गाइस अब हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं लगे हाथ इसके, जो एडिशनल बैटरी मैंने मंगाई थी, बिकॉज इसका जो पावर बैकअप है वो बहुत ही कम है, बैटरी बैकअप जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो एडिशनल बैटरी की ज़रूरत रहेगी रहेगी आपको। 40 to 45 minutes ही इसकी पावर सस्टेन कर पाती है, तो फिर एक एडिशनल बैटरी मंगा लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये इसकी एडिशनल बैटरी, सो ये कंपनी है यंत्राले, एंड ये रही बैटरी छोटी सी 900 mAh बैटरी। चार्ज के लिए बैक टू बैक आप यूज़ कर सकते हैं, आपको 40 लगभग
80 मिनट्स 1 आवर 20 मिनट्स का आपको बैकअप मिल जाएगा दोनों बैटरीज के साथ, तो इतना कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है भाई, सब देख रहे हैं मैंने इसको ट्राईपॉड पे माउंट करा हुआ है। ओके, इजीली माउंट हो जाता है, एक्सेसरीज इसके साथ में है। आपको स्टिल इमेज चाहिए, आपको सनसेट कैप्चर करना है, सनराइज़ कैप्चर करना है, रेन कैप्चर करना है, तो आप इसको लगा के छोड़ दीजिए बस। देख सकते हैं ये मैंने अपने ओवरहेड रिग में भी लगा रखा है ताकि ऊपर से भी डायरेक्ट मेरे को एंगल मिल जाए ओवरहेड कैमरे का। So that's all for the video. Hope you enjoyed it. If you like it, hit the like button and subscribe to my channel. My name is Gaurav, signing off. Jai Hind.